तो इधर हम बैठे हैं और ये वाला व्यू पूरा मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं। हम तो उड़ चले, मजा ही मजा है। मौत तो मंजिल तक पहुंचा ही देती है, मजा तो सफर का होता है। इस जगह पे से पूरा व्यू आता है और ऊपर में से टोटली व्यू मिलेगा जो हम लोग ऊपर से आपको दिखाने वाले हैं। माय गॉड, व्हाट इज दिस मैन। वनकम, वेलकम बैक टू माई चैनल नो लॉन्ग व्लॉगिंग। तो आज मैं जा रहा हूँ नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है इसका सबसे बड़ा हाइस्ट पिक पे, जो उसका नाम है डोडा बेता। तो बस साथ में रहिए, देखते रहिए कैसे रहता है ट्रिप। तो हमेशा सेफ्टी गाइडलाइंस हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो बाइक पे जाना है तो हेलमेट हमेशा यूज़ करना चाहिए, तो विदाउट हेलमेट नहीं राइड करना चाहिए। तो ऑल द सेफ्टी गाइड्स मैं लेकर चल रहा हूँ, अभी डोडा बेता के नील निकल जाऊँगा, पहुँच के आपको पूरा ब्रीफ दे रहा हूँ कैसा है सीन। सो दिस इज़ द बस स्टैंड रोड, दिस रोड आई विल नॉट टेक। ये वाला रोड से मुझे जाना है तो यू टर्न लेके मैं जाऊँगा। तो पूरा हिल स्टेशन आप देख सकते हैं कैसा है, पूरा पहाड़ का ऊपर ऊपर तक रूम बनाया हुआ है, देख सकते हैं एक होटल है। तो बस ये रोड से हम जाएंगे और ये स्ट्रेट जाएगा रोड, इधर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से लेफ्ट लेना पड़ता है। मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है और आप देख सकते हैं डोडा बेता पिक 7 किलोमीटर स्ट्रेट है, तो ये रोड लेके मुझे डोडा बेता पिक जाना पड़ेगा। और ये चौराहे पर आके तो आपको ये डेस्टिनेशन मिलेगा, आप ये 4 जगह जा सकते हैं। तो स्ट्रेट रोड है तो मैं इधर से अभी जा रहा हूँ, आपको रोड दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं पहाड़ पे अभी चढ़ना शुरू कर चुका हूँ और मुझे आप लोगों को दिखाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन बाइक पे चल रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास दिखाने का। पूरा पैक्ड अप हूँ तो हैंड छोड़ के तो हिल पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, अदरवाइज मैं कर देता, जो होता है मुश्किल बहुत है, लेकिन जितना कवर कर सकता हूँ मैं करके आपको पूरा ब्रीफ दूंगा क्या सीन है। ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी का, ये आप लोग देख पा रहे हैं कितना कर्वी टर्निंग का है। और इधर हम धीरे 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 करके ऊपर उठ रहे हैं, ये देख सकते हैं नीचे वाला रोड जा रहा है और धीरे धीरे करके हम ऊपर उठ रहे हैं। और सामने सामने इधर एक कुछ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, कॉफ़ी फैक्ट्री, टी की फैक्ट्री, ये सब है। तो हम उधर भी आएंगे आते टाइम, अभी जस्ट आपको इधर का दिखा रहा हूँ। सी द ब्यूटी ऑफ दिस एरिया। ये देख सकते हैं टी पार्क 2 किलोमीटर नीचे है और रोज गार्डन 6 किलोमीटर नीचे। तो रोज गार्डन होके मैं आया और इधर से ये जो राइट साइड में छोटा सा रोड दिख रहा है उसमें होकर डोडा बेता पिक में जाऊंगा। ये देख सकते हैं डोडा बेता पिक 3 किलोमीटर, बस वो वहां में पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम तो उड़ चले, मजा ही मजा है। ना 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 ना। सो फाइनली नीलगिरिज का हाईएस्ट पीक पे मैं पहुंच चुका हूँ ये नन्हा सा बाइक लेके, और बाकी सब इधर बेसिकली कार पे आते हैं, तो बाइक बहुत रेयर है, 2-3 बाइक ही आया है, दैट्स ऑल। बस अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीछे वाला व्यू, जो सीनरी है सही है बहुत। ये तो देख सकते पार्किंग एरिया, अभी इधर से अंदर में जाऊँगा इस जगह पर डोडा बेता वेलकम टूरिस्ट प्लेस वाला जो है उधर में जाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा क्या सीनरी है। अब तो हम पहुँच गए। तो बस 10 रुपये का पर्ची कटवा लिया हूँ, 10 रुपये में मिल गया डोडा बेता पिक का व्यू। और क्या चाहिए 10 रुपये में, 10 रुपये में एक चाय मिलता है आजकल का दिन में। सो ये देख सकते हैं पूरा ये एरिया से टॉप व्यू दिखेगा पूरा ये सिटी एरिया में। और ये एरिया में कुछ 2-4 दुकान है कुछ फीडिंग के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ असल जगह, जो देख के अंदर से कलेजा जिंदगी से फेफड़े और कुछ कुछ निकल जाता है, जो हमको ना निकला तो सबको निकल जाता है। सीधा सीनिक 50। हाँ जी अच्छा, इधर फोटो हो रहा है, वो भी हम करवा लेंगे अगर टाइम मिले तो, जो हमको शौक नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मन ही मन बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन अकेला आया हूँ वो भी एक दुख है जिंदगी में, सबको साथ साथ लेके आ रहा है, अपना अकेला आ रहा है, सो कोई नहीं, अकेला आया हूँ अकेला जाऊँगा वो कोई बात नहीं। इधर हम जा रहे हैं नीचे, एक थोड़ा सा जगह है जहाँ पे अराउंड एक गार्डन का व्यू है, तो वो हम जाके आपको कवर करके दिखाएंगे। हे बच्चे,
इस एरिया से आपको पूरा व्यू दिख रहा है, पीछे कितना बड़ा बड़ा हिल्स है और ऊपर से ये सिटीज भी देख लीजिए, मजा ही मजा है। इस जगह पे उतना खास है कुछ नहीं, लेकिन इधर से ही एग्जैक्टली आपको व्यू मिलता है, जो व्यू लेने के लिए सबको इधर आया है फैमिली के साथ। और बहुत ज्यादा पत्थर है, देख के चलना पड़ेगा नरमी से, अगर गिर गया तो कमर टूटने का पूरा चांसेस है। ये व्यू देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। सो देख सकते हैं ये पूरा हाईएस्ट पीक है, और एक अच्छा व्यू आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में। ये पूरा ऊटी का सिटी दिख रहा है इधर से। मौत तो मंजिल तक पहुंचा ही देती है, मजा तो सफर का होता है। सो फाइनली दोदाबेता हम पहुंच चुके हैं, और दोदाबेता में एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय हम तो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा एंजॉय तो कपल्स कर रहे थे। हम साला पैकेज में पिक्चर वगैरह सब कुछ उठा रहे हैं और हम तो देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। बस दैट्स ऑल, हमारा ज़िंदगी में बस यही लिखा है और हम यही करेंगे अभी। सो इस जगह पे से पूरा व्यू आता है और ऊपर में से टोटली व्यू मिलेगा जो हम लोग ऊपर से आपको दिखाने वाले हैं। तो बस इधर से सब कोई पिक्चर्स ले रहे हैं, जो लाइव प्रिंट करके दे रहा है डायरेक्टली इधर से, वो हम नहीं करवाएंगे। तो हम ऊपर चल के आपको दिखाते हैं पूरा व्यू कैसा है। सो छोटे छोटे स्टेप से हम ऊपर जा रहे हैं, हम एक स्टेप छोड़ के जाते हैं हमेशा। तो ये जगह है जहाँ से आपको व्यू मिलेगा, इस साइड का भी व्यू मिलेगा। और इधर से तो बहुत सही व्यू है। ये देखिए चल, सब अपना फोटो शूट करवा रहा है, हम तो बस यही मजा ले रहे हैं ये देख के। और सो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमको ना पीछे कोई पिक्चर लेने का चाप है, ना आगे कोई किसी के साथ पकड़ने का कोई चाप है। अपन अकेला एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मौला एंजॉय कर रहे हैं, भगवान के भरोसे हम चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ऑल, ये देख सकते हैं थोड़ा सा नौटंकी वाला सिचुएशन है। ये नौटंकी हमको भी करना पड़ रहा है, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ये नौटंकी वाला सिचुएशन में हमको भी आना पड़ा। नीचे आ गए, ये देख सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया नेक्स्ट टूर टॉय ट्रेन, नोबडी कैन टेक अ रेस्ट, एंड बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो आई विल कवर फॉर दिस। आफ्टर दिस दोदाबेता नीलगिरी ट्रेन आई विल टेक डेफिनेटली। टिट्टी ये अभी तक मुझे पता नहीं कहाँ है, मुझे देखना पड़ेगा। ये देख पा रहे दोदाबेता जो अभी मैं इधर से आया, ये उधर ही है ऊपर, ये पूरा व्यू है, बहुत सही है। ये नीचे वाला शायद रोज गार्डन है जो मैं शायद कवर नहीं कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा शायद। ये तो कर लिया मैं आज। नेक्स्ट आई एम कमिंग टॉय ट्रेन, बी रेडी फॉर मी, आई एम कमिंग। My God, what is this man? Piker Fall. Up next. For picture? 100 rupees, 100. 100 oh, with the print, right? Yes, sir. Okay. One copy? Old copy. Soft copy you will give? No, sir. No soft copy. Mm-hmm. Only one hard copy. Yes, okay, thank you. बस मेरे को लग रहा था तो मैं कवर कर लिया, बस हो गया यार, तो पिक खत्म, इतना छोटा सा पिक खत्म हो गया, बहस क्या, सबसे बड़ा पिक है लेकिन खत्म हो गया इतनी जल्दी, पता नहीं क्यों। अभी चलते हैं हम अपना व्यू लेते लेते रास्ते पे, सफर का मजा लेंगे। इधर का तो हो गया मजा, इधर मजा ही मजा था। जगह का स्पेशलिटी कुछ लेना जरूरी होता है, इसलिए दो कैप ले लिया ऊटी का, 130 और 100 करके, 120 और 100, बस अपने लिए ही कुछ, और क्या चाहिए यहाँ ठंडे में, बस अपना फेवरेट चीज। Second travel thing with you, and this is the bike I brought it. I took it from my friend, and now I will go. Bye bye. We'll be right back.
मैं दोदाबेता पिक से नीचे आ चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ टी पार्क जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। तो इधर से 2 किलोमीटर दूर लिखा हुआ है बोर्ड, तो स्ट्रेट हम जाएंगे 2 किलोमीटर तक और टी पार्क पहुँचेंगे। फिर आपको दिखाते हैं टी पार्क में क्या क्या प्लांटेशन है और कैसे टी पार्क को मेंटेन किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। टी पार्क के सामने मैं खड़ा हूँ, अभी मैं टी पार्क के अंदर जाऊँगा और उससे पहले बजरंग बली जी को दर्शन हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देख सकते हैं टी पार्क, मैं जा रहा हूँ अभी टी पार्क में। देख सकते हैं आप लोग कि टी पार्क का पूरा प्राइस लेकिन एंट्रेंस टिकट प्राइस सब कुछ लिखा हुआ है और ये हम टी पार्क के सामने खड़े हैं और अभी हम जाने वाले हैं। और इधर देख सकते हैं आप लोग टी पार्क का कितना अच्छे से होर्डिंग दिया हुआ है, बहुत सही है। और ऊपर से पूरा एकदम राम जी का भक्त इधर बैठा हुआ है, बहुत सही लगा देख के। अब मैं आ रहा हूँ टी फैक्ट्री के अंदर, आपको दिखाता हूँ। सो टी फैक्ट्री में मैं घुसने वाला हूँ, अभी 35 रुपीज़ लगेगा मुझे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा टी गार्डन है, अभी मैं जाके आपको सामने से दिखाऊंगा। सो मैं टी गार्डन में घुस चुका हूँ, अभी इधर पार्किंग करके मैं अंदर जाऊंगा। बेसिकली ये सब जगह फैमिली के लिए बहुत सही है क्योंकि इधर मतलब बहुत सारे जगह है, पार्क एरियाज है, तो हम बैठ सकते हैं ऊपर से इंजॉय भी कर सकते हैं। और आपको मैं पूरा मतलब टी का जो लीव्स है मैं वो टच करके आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा टी कौन सा वैरायटी का है। दैट्स ऑल। सो आप लोग देख सकते हैं ये पत्ता जो है ये सूख के बनता है चाय का पत्ती। तो और ये देख सकते हैं पूरा गार्डन कितना हरा भरा है, बस स्टेप वाइज किया हुआ है। ये है बकेट जो एक्चुअली मैं फोटोज के लिए है, ये देख सकते हैं फोटोज का काउंटर है। सब लोग इधर पिट्ठू में लेके फेक फोटोज उठाते हैं जो भी है, शायद इंजॉय करने दिए सबको। और ये हमारा टी पत्ता जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं ये पत्ते ही बड़ा होके जो ये पत्ता है, ये पत्ता पूरा जब ये प्रॉपरली बन जाता है पत्ता फुल बड़ा पत्ता, तब उसके बाद इसको उठाया जाता है, फिर उसको मतलब धूप में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर वो ड्राई होने के बाद वो जो दुकान में आते हैं हम लोग खरीदते हैं वो ये उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये होता है। तो बेसिकली सबको ये चीज़ पता है लिटिल बिट, बट द थिंक इज मैं वो पत्ते को छू छू के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो दिस इज़ द चेंजेस ऑफ इनसाइड इन द वीडियो, जो मैं छू के दिखा रहा हूँ वो आपको महसूस नहीं होगा। और पत्ता बहुत कड़क है वैसे भी, पता नहीं क्यों इतना कड़क है, वो सूखेगा फिर ओके होकेगा, बाकी सब बाद का बात है। लेकिन व्यू मस्त है, जो मेरे को दिखाना है आपको व्यू मस्त है। और मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा वैसे भी मुझे जाके अपने लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज रेस्टो से उड़ाना पड़ेगा, लेकिन नहीं चाहता हूँ, महीने का ख़त्म होने को आ रहा है तो नहीं चाहता हूँ इतना, बस व्यू इन्जॉय करिए, दैट्स ऑल। अंदर का बात मत जानिए तो ही बेहतर है सबके लिए। और नीचे वाला रास्ता जा रहा है, उधर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उधर मेरे को कोई काम नहीं है। तो बस टी गार्डन में घुस चुका हूँ और आपको दिखा भी चुका हूँ, अंदर पार्क है, ये वो है, वो सब हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो इतना लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो बस इतना ही चलते हैं, बस अभी रूम की तरफ चलेंगे और बाकी आपको दिखाएंगे रास्ता। मजाक मजाक में मैं आप लोगों को ये जगह दिखाना भूल ही जा रहा था, तो चलते हैं। हाँ तो उधर वो सड़क होके हम आते हैं। हाँ तो सही है, वी कैन रिराइट द स्टोरी अगेन। तो इधर हम बैठे हैं और ये वाला व्यू पूरा मस्ती से एंजॉय कर रहे, बैठे बैठे 15-20 मिनट हो गए, मैं बैठे बैठे सिर्फ ठंडा हवा ही ले रहा हूँ क्योंकि मन और तन को ठंडक चाहिए। जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ना, फिर भी आपको जिंदगी में ठंडक नहीं मिलेगा। कुछ छोटे छोटे चीजों की वजह से आपको जिंदगी में इतना दर्द भरी कहानी आएगा ना, रो के भी बयां नहीं कर पाओगे भाई, रो के भी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू विल क्राई ना, इट विल ऑल्सो नॉट कम आउट, समथिंग स्टे हियर ओनली, फॉर दैट वी नीड एंजॉयमेंट एवरीथिंग दैट आई मीन। सो टी पार्क कवर कर लिया हूं मैं, अभी मैं निकलूंगा, अभी रूम चला जाऊंगा, अभी हो गया आज का वीडियो इतना दूरी तक। सो ये था टी पार्क का स्टोरी और अभी मैं निकल जाऊंगा, हो गया मेरा ट्रिप, अभी रोड पे है, बस आपको रोड का दिखाऊंगा कैसे रोड है, फिर चले जाएंगे रूम पे, बाय। तो टी पार्क हो गया भ्रमण, अभी ये रोड पकड़ के मैं नीचे चला जाऊंगा, अब देख पा रहे हो उतना नीचे मुझे जाना है, पूरा एकदम नीचे जाऊंगा, अराउंड
10 किलोमीटर के करीब। तो ये वाला ब्लॉग इतना थोड़ी, आगे ये टी फैक्ट्री भी नीचे देख सकते, टी गार्डन है, पूरा टी में भरा पड़ा है पूरा एरियाज में। तो ये ब्लॉग इतना दूरी, अगला ब्लॉग मैं लाने का कोशिश करूँगा नीलगिरी ट्रेन के साथ, जो टॉय ट्रेन है वो नेक्स्ट ब्लॉग टॉय ट्रेन के साथ आएगा। तो ये वाला ब्लॉग इतना दूरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, तो उतना मोटिवेशन आपको मिले कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का कोशिश कर सके, थोड़ा ट्राई कर सके आप लोगों के लिए। बाय बाय, चलिए। I know you told you.